हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है कि आप अपने आंसर की पर चैलेंज कैसे कर सकते हैं, यानी कि हेड टीचर और हेड मास्टर की आंसर की पर दोस्तों आप लोग चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे फुल प्रोसेस आपको दोस्तों बताने वाले हैं कि आप किन किन प्रोसेस से होकर अपना क्वेश्चन पर दोस्तों चैलेंज कर सकते हैं, और जो आपका मार्क्स डिक्रीज हुए हैं वो उस पर दोस्तों चैलेंज करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस दोस्तों वीडियो में हम फुल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन बीपीएससी, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है ऑनलाइन बीपीएससी। जैसे दोस्तों वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपका एक ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, लॉगिन पेज। यहाँ पे आपका जो भी कुछ आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद नीचे आपका दोस्तों आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो भी यहाँ पे आपका कैप्चा दिया गया आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको लॉग इन करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आप अपने डैशबोर्ड पर दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों दिखा रहेगा आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टेटस। इसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर पर नीचे वाले पे राइज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन फ्री। अभी दोस्तों आप जितना भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद आपका नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आपका सारा कुछ दिया हुआ, ठीक है। ये दोस्तों किसी कैंडिडेट का है, इसको हम दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ये थोड़ी सी हाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको दिखाई होगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट दोस्तों इस पेज पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे दोस्तों आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन राइज दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, कैंडिडेट आंसर, प्रोविजनल आंसर आंसर, इसके बाद पेज नंबर ऑफ रेफरेंस दिया गया, ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन दिया गया, रेफरेंस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया, इसके बाद आपका कवर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया, इसके बाद करना है। इसके बाद अगर चाहते हैं तो है आप तो डिलीट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे कॉर्नर पर देख रहे होंगे यहाँ पे कॉर्नर पर आपको सबमिट का बटन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोने में क्लिक हेयर टू राइट ऑब्जेक्शन ऑन योर एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम का सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी एग्जाम होगा, जनरल स्टडीज एंड आपका डीएलएड, उसको यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज। जो आपका क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ई एफ जी एच में जो भी आपका मिला होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ई हमने आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको दोस्तों किन क्वेश्चन नंबर पे आपको डाउट है आपको वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों सब लोग का डाउट आपका 58, यानी कि NH3 वाला जो आपका क्वेश्चन है उस पर दोस्तों डाउट है। तो मान के चलिए दोस्तों हम उसी को करना है, तो आप हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर दोस्तों सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कैंडिडेट का आंसर की, ठीक है, कैंडिडेट का आंसर की, यहाँ पे सिलेक्ट कैंडिडेट आंसर की। तो उसमें दोस्तों हमें आपको देना है आंसर यहाँ पे ए देना है, तो हम वहाँ पे ए सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको बताने के प्रोविजनल आंसर में क्या आपका दोस्तों आंसर दिया गया है बीपीएससी के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें आपका ऑप्शन दिया गया है ई, प्रोविजनल आंसर की में दोस्तों बीपीएससी के थ्रू आपको आंसर दिया गया ई, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके अंडर आपको कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे लिख देना है। चलिए मान से हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना है। चलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो भी आप कुछ लिख सकते हैं, चलिए आप लिख सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़े ये एग्जाम्पल की आपको अप टू 300 कैरेक्टर में आपको लिखना है इन द इंग्लिश वर्ड में, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पेज नंबर ऑफ रेफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको बताना है कि पेज नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट किस में है। यहाँ पे अपलोड कवर पेज ऑफ रेफरेंस बुक ऑफ द स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, जो भी दोस्तों आपको करना है वो उस बुक में किस पेज में ये क्वेश्चन का आपका साक्ष्य प्रूफ के साथ दिया गया है, उसको यहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों आपको अपलोड करना है। दोस्तों जो भी अपलोड करेंगे यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको अप टू 100 KB इन JPGM फॉर्मेट वन, आपको JPGM फॉर्मेट पर बनाकर 100 KB के अंदर बुक का जो आप पेज होगा उसका रेफरेंस नंबर आपको दोस्तों यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड,
फिर यहाँ पे 100 KB में दोस्तों आपको अपलोड यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सेव का ऑप्शन दे रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिसेट भी कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इतना कुछ दोस्तों डालने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्लिक किया टू सेव, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। दोस्तों सेव करते ही आपका काम हो जाएगा, आपने जो भी प्रश्न आपती क्या दोस्तों अपना आपती यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आपती करने का दोस्तों एक फुल टू प्रोसेस वीडियो। अगर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।